हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैनगार्ड के VO264 AB, जो कि एक ट्रैवल ट्राइपॉड है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा, उसके बारे में। बेसिकली ये जो ट्राइपॉड है, ट्रैवल ट्राइपॉड इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि एक तो इसकी जो हाइट, मिनिमम हाइट काफ़ी कम होती है, और इसका जो यूज़ है आपका लैंडस्केप, लो लाइट, HDR लॉन्ग एक्सपोजर, जो भी आप बेसिकली अपना आउटडोर के अंदर आप करते हैं अपने ट्रिप्स के ऊपर, वो सारा काम इस पर हो जाता है। इतना स्टेबल ट्राइपॉड है कि इस पर आप कर सकते हैं वो वाला काम। ये इसकी डेफिनेशन होती है ट्रैवल ट्राइपॉड की। और ये जो ट्राइपॉड है, ये एल्युमिनियम ट्राइपॉड है, इसके अंदर आपका बॉल हेड लगा हुआ है। और इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका जो पेलोड कंपनी के हिसाब से 8 kg है, और ये खुद का जो इसका वेट है वो है 1.6 kg। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो खुद के वेट से और इसके पेलोड का जो रेशियो है, ऑलमोस्ट 5 times उठाता है। यही बेसिकली इसका बेनिफिट है। अगर आप लोकल कंपनी का कोई भी ट्राईपॉड लेंगे, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि ट्राईपॉड का वेट होता है 2 kg और उठाता है 5 kg, या होता है उसका 4 kg का वेट है तो 4 ही उठा रहा है, ऐसे वीडियो ट्राईपॉड्स होते हैं। तो ब्रांड्स के अंदर जाने का ये बेनिफिट होता है कि भाई, एक तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं, फोल्डेबल, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, प्लस इसका जो वेट होता है, जितना ये उठाता है अपने वेट से 5 गुना या 4 गुना मिनिमम उठाता है। और जो इसकी फुल हाइट है वो है 1550 mm, जो कि 61 inches के आसपास है। तो अभी खोल के मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ऑलमोस्ट 5.5 या 6 फीट के आसपास होती है, इंक्लूडिंग सेंटर कॉलम। तो एक बार मैं इसको आप अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ और इसके फीचर्स सारे समझा देता हूँ। तो आइए एक बार इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एक इसके अंदर कैरी केस आएगा आपका, काफ़ी अच्छा स्टर्डी कैरी केस है। और ये आपका आ गया ट्राईपॉड। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इन्होंने उल्टा फोल्ड कर रखा है, जिससे इसकी हाइट, फोल्डेड हाइट और कम हो गई। ये आपका बेसिकली ट्राईपॉड है, ये देखिए। ये एल्युमिनियम वाला मॉडल है, इसमें कार्बन फाइबर भी आता है, लेकिन ये एल्युमिनियम मॉडल है। इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको उल्टा घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके जैसे बटन्स दिए गए हैं बेस पे, इसको प्रेस करके ये लेग्स आपकी आ जाएंगी। ये हो गई आपकी लेग्स नॉर्मल, और जो ये सेंटर कॉलम है, ये घूम के ऊपर आ जाएगा। ये इसका नॉर्मल शेप आ गई आपकी ऐसे। अगर मैं इसको लूज़ करूँगा, ये आ गया आपका ट्राईपॉड की शेप में। इसमें हर लेग के 3 angles हैं यूज़ करने के। अगर आप देखेंगे, एक हर लेग के इसके 3 options हैं आपके, और उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया अपना ट्राईपॉड रेडी। ये ट्राईपॉड का जो जो लॉक्स हैं, इस वाले में इन्होंने लॉक्स को चेंज करा है। जो पहले वाले में क्लिप लॉक्स थे, और या उससे पहले जो मॉडल आते, उसमें किसी में वो थे ट्विस्ट लॉक्स, इसने इनका दोनों का मिक्सचर लगाया है। ये सेमी ट्विस्ट लॉक्स हैं, इसमें बस हाफ रोटेशन आपको घुमाना पड़ता है और फिर ये लेग फ्री होकर निकल जाती है। तो सारे लॉक, ये काफ़ी इजी टू ओपन एंड क्लोज वाले लॉक्स हैं, और इसमें 3 lock है, तो उस हिसाब से इसकी हाइट हो जाती है। मैं आपको एक बार पूरा खोल के एक बार इसकी फुल हाइट दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये मैंने इसको एक बार फुल हाइट पे एक्सटेंड कर दिया है सेंटर कॉलम के साथ, तो इंक्लूडिंग सेंटर कॉलम ये अप्रॉक्सीमेटली 5.8 या 5.7 फीट के आसपास है। और इस पे जो ऊपर है, आप देख सकते हैं कि बबल लेवल दिया गया है, जिससे आपको लेवल पता चल जाएगा टॉप का। और इसके हेड के अंदर 3 knobs हैं, एक तो आपका पैनिंग के लिए, अगर आपको पैनो शॉट्स लेनी है तो ये रोटेशन करके आप डिग्रीज इसमें दी गई हैं, आप नोट करके आप स्टिच कर सकते हैं अपनी लैंडस्केप शॉट पे। पैनोरामा खींचना हो तो उसके लिए काम आ जाएगा।
और इसी जो नीचे वाला ही है उसी से इसकी इंटेंसिटी भी फ्रिक्शन कंट्रोल होता है, जिससे आप किस स्पीड पे आप स्मूथली घूमेगा या नहीं, और इसी से ये पूरा लॉक भी हो जाता है। ऐसे ही बॉल हेड है, बॉल हेड में भी एक फ्रिक्शन का नॉब दिया गया है जिससे इसका फ्रिक्शन कंट्रोल होता है कि कैसे घूमता है, और जो दूसरा नॉब है ये वाला, ये है पूरा लॉक करने के लिए। अब जैसे मैंने पूरा लॉक कर दिया तो अब ये कहीं नहीं जाएगा, तो ये दोनों। और ये जो है ये क्विक रिलीज़ के लिए है आपका, जहाँ पे बेस प्लेट लगेगी, बेस प्लेट इस पे आर्का स्विस बेस प्लेट है जो अलग से दी गई है इस पैकेट में। ये स्लाइड इन बेस प्लेट है, इसमें स्लाइड हो के इसी इसको टाइट करने से टाइट हो जाएगी। तो ये स्लाइड इन प्लेट है, ऊपर रख के बस इसको लॉक को लॉक करना है। और अगर इसको आपको लो एंगल पे जाना है तो ये आप सेंटर ये कॉलम को निकाल भी सकते हैं, और उससे आपको लो एंगल पे मैक्रो शूट अगर करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। बाकी जो लेग्स हैं, लेग्स पे आपका थ्री पॉइंट कंट्रोल है ही है। अगर आपको एंगल चेंज करना है तो ये आपका बटन दिया गया है, इस बटन को आप प्रेस करके थोड़ा सा नीचे लेग को दबा के आप किसी भी एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें तीन सेटिंग्स हैं, तो तीनों सेटिंग्स के हिसाब से आप कर सकते हो कि ये आपको कितना फ्लैट जाना है। ये जैसे ये सबसे ज़्यादा फ्लैट इतना हो गया, तो जो ये भी जो भी आपकी ग्राउंड लेवल शूटिंग होगी वो आपकी फोल्डेड पे करने में ही फ़ायदा है, तभी स्टेबिलिटी आती है। अगर आप एक्सटेंड करके फ्लैट करेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये पूरा फोल्ड करने के बाद आप इसको बिल्कुल फ्लैट कर सकते हैं। ये मैंने अब तीनों को बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये वाले को मैंने ऊपर कर दिया। ये हो गया पूरा फ्लैट। अब इसके अगर आप देखेंगे तो इतना फ्लैट हो गया बिल्कुल ग्राउंड लेवल के लिए। अगर आपको अब सेंटर कॉलम भी निकालना है तो सेंटर कॉलम भी इसका रिमूवेबल है, ये आप इस बटन को दबा के निकाल सकते हैं। और इसकी जगह जो एक्स्ट्रा आपका दिया गया है, एक्स्ट्रा थ्रेड और कॉलम, इसको आप लगा सकते हैं ग्राउंड लेवल शूटिंग के लिए। मैं दिखा देता हूँ आपको करके, इसके लिए पूरा लूज़ करना पड़ता है इसको। तो ग्राउंड लेवल करने के लिए पहले आपको इस नॉब को दबा के इस पीस को अलग से निकालना है, उससे आपका ये कॉलम सेंटर कॉलम फ्री हो जाएगा। जैसे ही आपने सेंटर कॉलम को निकाल दिया उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा पीस दिया गया है इसको आप लगा सकते हैं, और इस पे आपका बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, जो ये आपका पुश इन हो जाएगा इसी के अंदर, ये लग गया। अब आप बिल्कुल ही लो लेवल पे जा सकते हो क्योंकि आपका नीच का जो कॉलम था वो हट गया। अब बिल्कुल आप फ्लैट करके इससे ग्राउंड लेवल शूटिंग कर सकते हैं। ये जो इसका यूनिक फीचर है जो ट्रैवल ट्राइपॉड में ज़रूरी है, ये हो गया आपका बिल्कुल फ्लैट। अभी ज़मीन पे रख सकते हैं इसको या टेबल पे भी रख सकते हैं। और इसमें जैसे ही मैंने कॉलम निकाला है वैसे ही इसके अंदर एक ये फीचर और भी है कि अगर आपको उल्टा यूज़ करना है तो कॉलम को आप उल्टा यूज़ करके मैक्रो का काम भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक हेड है, हेड को हमने भी उल्टा डाल के या तो घुमा लिया, घुमा भी सकते हैं, और अगर इसको पूरा हमने नीचे से उल्टा डालना है तो यहाँ से भी चला जाएगा ये, जिससे आपका ग्राउंड लेवल का काम हो जाएगा मैक्रो का। तो जैसे आपने देखा ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है, कॉम्पैक्ट सा, हैंडल्ड भी है, और आपके किसी भी जो आपका बैकपैक है उसके साइड में आ जाएगा, लाइट वेट भी है। लेकिन इसके अंदर बस जो मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसकी मैक्सिमम हाइट काफ़ी थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने जो मैक्सिमम हाइट कॉलम के साथ आती है आपकी वही 5.8 फीट, तो कॉलम पे, लेकिन अगर आप हैवी लेंस लगाएंगे तो थोड़ी स्टेबिलिटी का इशू आएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको हाँ हाइट चाहिए तो हाइट के लिए नहीं है, हाइट के लिए फिर आपको इससे ट्रैवल सीरीज़ छोड़ के, कॉम्पैक्ट छोड़ के प्रो पे जाना पड़ेगा, उसमें आपके अराउंड बिना कॉलम के ही इतनी हाइट आ जाएगी, और फिर कॉलम के साथ आपकी 6 फीट पहुँच जाती है। जैसे अल्ट्रा प्रो 263 AP और वाली सीरीज़ है, उसमें आपको बॉल हेड और पैन हेड दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस साइड में सेटिस्फैक्शन है, अगर आपने मोस्टली बैठ के काम करना है, लैंडस्केप, सीस्केप्स और ये टाइम लैप्स, एस्ट्रो फोटोग्राफी, जो भी ये सब काम करने हैं लो लाइट में, HDR, जिसमें आपको हाइट इतनी मैटर नहीं करती, आप अपने हिसाब से ट्राईपॉड की पोजीशन को ही चेंज कर सकते हैं, तो उस केस के लिए ये ट्राईपॉड में कोई दिक्कत नहीं है, ये काफ़ी सूटेबल ट्राईपॉड है। और वैनगार्ड का नाम भी है वर्ल्ड ओवर, इसमें आफ्टर सेल्स भी अच्छी है, इसकी जो वारंटी है अराउंड मिनिमम 2 ईयर्स रहती है इंडिया में, और कोई कोई मॉडल्स पर 5 ईयर्स भी आती है। तो अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से
प्राइस की बात कर लेते हैं एक बार लास्ट, तो प्राइस के हिसाब से अच्छा मॉडल है। इसकी प्राइसिंग भी अगर मैनफ्रोटो से कंपेयर करो तो मैनफ्रोटो का आता है बी फ्री, उसका जो मॉडल है अराउंड 13-14 हज़ार का है, और इसकी सिर्फ जो हाइट उसकी भी लगभग इतनी है, और इसकी प्राइसिंग है सिर्फ 8500। तो अगर प्राइस को देखते हुए हम करें तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ट्रैवल के लिए, और इससे हम नॉर्मल इवेंट्स भी कवर कर ही सकते हैं, क्योंकि 5.5 फीट में आपका सारा स्टील का काम हो सकता है, स्टूडियो यूज़ भी हो जाता है, इतनी डिसेंट हाइट है। लेकिन हाँ, अगर आपके टेलीफोटो लेंसेज हैं 70-200 टाइप या लंबी लेंसेज है वाइल्ड लाइफ वाली, उस काम के लिए सूटेबल नहीं है, और कंपनी उसको उस तरीके से प्रमोट कर भी नहीं रही, कंपनी ने भी इसको ट्रैवल के लिए ही बोला है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। बाकियों के लिए तो प्रो है ही है, और वाइल्ड लाइफ के लिए तो जैसे गिम्बल हेड वगैरह वो सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, लेकिन हाँ बजट के अंदर अगर आप ट्रैवल लेना चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो ये छोटा सा वीडियो था इसका, आपका वैनगार्ड 264 AB के बारे में, और अगर VO2 कलेक्शन का ट्राईपॉड है ये, अगर आपको लेना हो तो आप हमारे स्टोर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।